प्रदेश में योगी राज कायम होने के बाद अवैध स्लॉटर हाउस और गौ तस्करी को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन वो कानून कितना कारगर साबित हो रहे हैं इसका खुलासा गाजीपुर से हुआ, जहां हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने एक पशुओं से लदे ट्रक को पकड़ा, जिसके बाद पकड़े गए पशु तस्कर ने कई सनसनीखेज खुलासे किए और हर थाने और चौकी के अलग अलग रेट भी बताए। कितना कितना पैसा? 500 रुपये। और मुबारकपुर कितना? 1600 रुपये। मुबारकपुर एक गाड़ी का 1700। और ज्ञानगंज चार। और चिरैयापुर 500। और सरसेना 200। उसके बाद उल्लापुर 500। फिर जमीपुर 500। फिर यमनिया मोड़ 200। फिर बीच में चलती 200। और फिर राजागंज 200। तो सुना आपने कि किस तरह हर चौकी और थाने का रेट अलग अलग है और पूरा पशु तस्करी का खेल पुलिस कर्मियों की मिली भगत से हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जब इस बारे में एसपी से बात की गई तो उन्होंने मामले में जांच की बात कही। देखिए, ये जांच की विषय है पहली बात तो। दूसरी बात है, ऐसे कोई मामला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो भी पशुएं हैं इनका परमिट होता है, बिजनेस करते हैं तो आपको परमिट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, ये कोई अगर गलत काम हो रहा होता तो समझ में आता है कि किसी को गलत तरीके से पुलिस के एक दो लोगों को या किसी और विभाग के एक दो लोगों को घूस दे के गलत तरीके से उनको निकाला जा रहा है, लेकिन सुबह जब दिन में निकल रहे हैं तो ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं आ रही है। फिलहाल एसपी मामले में जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर पशु तस्करों की माने तो ये पूरा खेल कुछ पुलिस कर्मियों की मिली भगत से हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।